Hello viewers, in today's session we would be understanding how we can proceed for doing addition using the concept of Vedic max on the basis of vinculum. Okay, now before going into the vinculum concept of doing the addition, I would request all my viewers to kindly go into my additional and earlier loaded videos regarding how to convert a number into vinculum and vice versa, because I have already uploaded the videos how, if we have a bigger number, how we can use vinculum and how we can convert it into respective numbers and vice versa. So taking into consideration all those discussions, today we'll be understanding how we are going to do addition using vinculum. Simple addition भी हम कर सकते हैं, but as we can see into कि vinculum से अगर हम calculations करते हैं तो that is really very simple, easy and quicker. So we start with the first example. We have 986 that has to be added to 889. Always what we need to do is that vinculum में हम क्या करते हैं, कोई भी एक set of numbers लेंगे और उन set of numbers को हम smaller set of values में convert करेंगे. सपोज ये दो वैल्यूज हैं, इसमें से अगर हम ये वैल्यू को कंसिडर करें, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, हम दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को लेकर हम विनिकुलम यूज़ करके एंड वी कैन प्रोसीड फॉर डूइंग द एडिशन ऑपरेशन. सपोज मैं इस केस में 889 को यूज़ करती हूँ, ओके, और मैं विनिकुलम यूज़ करके उसके बाद फिर इसको एडिशन क्लिप प्रोसीड करती हूँ. तो वॉट आई डू इज दैट, एज आई टोल्ड यू कि जब हम विनिकुलम यूज़ करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव टू यूज़ टू कंसेप्ट और टू सूत्रास. फर्स्ट इज निकलम नवत शर्मम दशतः एंड एकाधिकेन पूर्वेन. तो यहाँ पर हम तीनों नंबर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तीनों ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, हायर सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं. तो वॉट विल डू इज दैट, हम निकलम यूज़ करेंगे एंड आगे यहाँ जाके एकाधिकेन पूर्वेन यूज़ करेंगे. तो ये हो जाएगा वन, नाइन माइनस एट इज वन विद अ बार, 9 माइनस एट इज 1 विद अ बार, 10 माइनस 9 इज 1 विद अ बार. इसका मतलब हमारी वैल्यू ये वाली जो थी, इट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू 1 एंड 1 बार 3 टाइम्स. अब हमारी वैल्यू क्या है जिस पर हमें एडिशन ऑपरेशन करना है, वी हैव 986. ये नंबर हमारे ऐसे कन्वर्ट हो गए, तो आई राइट इट एज 1, 1 बार, 1 बार एंड 1 बार. सिंपल हम एडिशन करेंगे जो कि लॉजिक एंड कन्वेंशनल वे है. हियर वी हैव द एडवांटेज दैट वी कैन प्रोसीड ईदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट. सपोज मैं लेफ्ट से प्रोसीड कर रही हूँ, वन में कुछ ऐड नहीं होना है, सो वन विल बी कॉपीड एज इट इज. नाइन माइनस वन एट हो गया, एट माइनस वन दैट इज सेवन, सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव. ओके, सिंपल हम कन्वेंशनल वे से भी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं. अब आप यहाँ देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, 9 प्लस 6 इज 15 कैरी 1, 16 प्लस 1 इज 17, 9 एंड 9 इज 18. देखिए आंसर सेम आ रहा है, बट वेयर इज़ द प्रॉब्लम, ये जो कैरी आ रहा है ना, ये कैरी को अवॉइड करने के लिए ही हमने एक्चुअली विनिकुलम यूज़ किया है, जिससे हमारा एडवांटेज क्या हो रहा है कि हमारा जो बड़ा नंबर था दैट वाज 889 दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू वेरी सिंपलर नंबर. एंड सिंपल हम नेगेटिव नंबर्स का भी अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इतने स्मॉलर वैल्यूज़ हैं कि एरर या मिस्टेक की पॉसिबिलिटी नहीं है, फर्स्ट थिंग. एंड आर कैलकुलेशन इज रिलेटिवली सिंपलर, क्योंकि 6 प्लस 9 15, यानी ये वन आपको ऑब्जर्व करना है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ओके. बट यहाँ पर ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है, सिंपलर 6 माइनस 5 1 इज 5. तो यहाँ पर बहुत स्मॉलर सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ अ रीज़न वाई वी प्रिफर एक्चुअली विनिकुलम फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस. सो द आउटपुट ऑफ फर्स्ट इज 1875. Taking the next example, we have 9378 plus 2895. Now let's try out with दिस नंबर. कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, तो अगर हम, क्योंकि माइनस ऑपरेशन अगर होना होगा तो इस वैल्यू से हम, अगर हमारे नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगे तो इट विल बी ईजी टू परफॉर्म दैट कैलकुलेशन. सो वॉट आई डू, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर हम विनिकुलम यूज़ कर रहे हैं 2895, ठीक है. तो वॉट आई कैन डू इज आई कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर 10 9 9 प्लस
So 3, 1, 0 and 5. ठीक है, अगर मैं 0 के ऊपर बार भी हटा दूं तो इट इज स्टिल फाइन. तो अब हमारा ये वैल्यू क्या कन्वर्ट हो गया इनटू 3, 1, 0, 5 विथ अ बार. नाउ आई टेक बैक माय वैल्यू 9, 3, 7, 8. दिस वैल्यू इज 3, 1 बार, 0, 5 बार. सो वी हैव 3, बिकॉज 8 माइनस 5 इज 3, 7 प्लस 7 इज 0, 3 माइनस 1 इज 2, 9 प्लस 3 इज 12. We go for verification of the answer 9378 and 2895. Answer is same. See, these are the carries which have to be observed. जबकि ऐसा कुछ ऐसा limitation हमारा नहीं रहता है जब हम vinculum use कर रहे हैं. So this is your conventional way and this is our vinculum approach. आप इसमें कोई भी नंबर्स ये लेके आप कन्वर्जन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मैंडेट है कि जो वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन मैंने लेकर विनिकुलम उसमें अप्लाई किया है आप उसी में ही अप्लाई करें. इट इज़ नो वे दैट लिमिटेशन. यू कैन टेक ईदर ऑफ द वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू है आप उस पर परफॉर्म करके कैलकुलेशन प्रोसीड कर सकते हैं. सो वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल एज 8470 प्लस 9947. हम कोशिश करें कि कोई भी एक वैल्यू ले लें. सपोज इस पर हम जाके विनिकुलम यूज़ कर रहे हैं 9947. 10 प्लस 1 10 9 प्लस 1 माइनस 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 1 0 1 बार 5 एंड 3 बार. ठीक है, तो इस नंबर का विनिकुलम आ गया 1, 0, 1 बार, 5 एंड 3 बार. अब हमारे वैल्यूज़ क्या हैं 8, 4, 7, 0, 1, 0, 1 बार, 5 एंड 3 बार. ठीक है, सो वी कैन प्रोसीड. 0 माइनस 3 इज 3 माइनस 7 प्लस 5 इज 12. यू नीड टू राइट इट टुगेदर. 4 माइनस 1 इज 3. दिस इज 8 एंड दिस इज 1. ठीक, अब हम ये वैल्यू को थोड़ा सेट कर लें क्योंकि देखिए यहाँ पर डबल डिजिट है और ये नेगेटिव वैल्यू है. सो व्हाट आई नीड टू डू फर्स्ट इज कि एक यहाँ इसका ओवरफ्लो है तो इसको मैं यहाँ ले आती हूँ. सो 8, 1, 8. 3 प्लस 1 विल बिकम 4. ये 2 है और ये 3 है. नाउ हियर एज वी ऑब्जर्व कि हमारा ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, इसका मतलब अब हमें ये विनिकुलम वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो जो हम सूत्र यूज़ करेंगे दैट इज़ निखिलम नवतस चरमम दशतः एंड एक न्यूनेन पूर्वेण. सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट 1, 8, 4, 2, 3. तो मैंने इसको निखिलम नवतस कर लिया एंड एकाधिकेन पूर्वेण किया. This is our required answer. I'll go for checking it. 1, 8, 4, 7, 0 and 9, 9, 4, 7. So that is 7, 1, 4, 9, 9, 18. ठीक है, obviously it requires a bit of practice. एक बार आपकी practice हो जाएगी तो आप verbally इतना जो मैंने आपको करके दिखाया है you don't have to do it actually on paper. समवेयर आप एक बार विनिकुलम का वैल्यूज़ का कन्वर्जन करना अगर आप सीख जाएंगे तो यू कैन गेट द दिस वैल्यू वर्बली एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द कैलकुलेशंस. तो इन दोनों को हमने जब सॉल्व किया तो व्हाट वी आर गेटिंग 1, 8, 4, 1, 7. सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन इज दैट इफ वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ विनिकुलम इवन फॉर एडिशन, because this is a very elementary and a basic operation when we talk about mathematics. So here also we can find its application in terms of Vedic maths. And for calculating viniculum, we are using two basic sutras, that is Nikhilam Navtas Sharmam Dashatah and Ek Nyunena Purvena. This is how we can convert a viniculum number into a normal number. And simple, हमें क्या करना है, अभी तो मैंने simple दो set of values लिए हैं. तो अगर हमारे पास दो set of values हैं तो हम simple इसमें यही करेंगे
कि स्टिल यू हैव अ पॉसिबिलिटी, एक वैल्यू को विनिकुलम से कन्वर्ट कर लें या दोनों को कन्वर्ट कर लें, सिंपल गो फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन, और उसके बाद अगर आउटपुट आपके सब वैल्यूज़ या सब डिजिट आपके पॉजिटिव होते हैं, वेल एंड गुड. अगर नेगेटिव होते हैं तो अगेन यू हैव टू यूज बोथ द सूत्रास एंड गेट बैक द नॉर्मल वैल्यू. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन. थैंक्स अ लॉट.